बेटा इस क्वेश्चन में देख, एक पॉइंट है इसमें 2 × 10⁻¹ कूलम चार्ज रखा, बी पॉइंट में दैट इज यहाँ पे एस पे 10 सेंटीमीटर है, पी भी 5 सेंटीमीटर है, सेवन एंगल 90 डिग्री है, और इसमें 1 μC में कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे मास एक्स 10 μC है, तो इसका डायग्राम कौन बना दिया, ये 90 डिग्री है, ध्यान रखिएगा, और ये वाला पॉइंट है, इसमें 2 × 10⁻¹ है, इस जगह पे बी पॉइंट है, माइनस 10⁻¹ है, और अच्छा इस माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा ऊपर की तरफ 1 μC, तो ऐसे देखिए दोनों ही पॉजिटिव है ना, आउटवर्ड फोर्स लगेगा इस तरफ वर्टिकल एक्सिस से पर, अभी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इधर खींचेगा तो इस फॉर्म में एफ टू इस ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री है। ओके अब इसका रिजल्ट है साइड कर दो। ओके रिजल्ट है भाई, क्वेश्चन पूछा मैग्नीट्यूड फाइंड करना, क्या फाइंड करना है मैग्नीट्यूड, तो एबी का जो डिस्टेंस, एबी का तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा एफ के वैल्यूज जो होगा एपी के अलावा जो फोर्स लग रहा है F1 जो है उसमें चार्ज है 2 × 10⁻¹ और P2 जो है 1 × 10⁻¹ और डिस्टेंस जो आ रहा है वो R स्क्वायर दैट इज 10⁻², 10 × 10⁻², F1 के वैल्यू सुन, फिर F2 का वैल्यू भी हम लोग कैसे फाइंड कर लेंगे 9 × 10⁻¹ इन एक हो गया 1 10 × 10⁻¹ बेटा माइनस है इसलिए साइन करा के इनटू 1 × 10⁻¹ डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻²। अभी जो नेट फोर्स होगा F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos, इसका तो cos y जीरो हो जाएंगे, 90 डिग्री ना जीरो हो जाएंगे, दैट मींस क्या होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड करो बेटा इसको फाइंड करो, इसको फाइंड करो, स्क्वायर करते रूट करो, अंडरस्टूड बेटा, समझ में आ गया। हाँ बेटा बोलो,
कितने बोला आ गया कितना 18 इनटू 10 टू द पावर माइनस आ गया क्या और इसका कितना आएगा और ये सेम ही आएगा इसमें इसमें 10 है तो कितना आ जाएंगे 36 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 ओके ये आया था बेटा चेक करो ये देखो 9 इंटू 2 18 हो जाएंगे बाकी तो सब कट जाएंगे कट के माइनस 3 बचेगा ओके देखो चेक करो बेटा ये दोनों आगे आप रूट करके बताओ कितना आ रहा है इसे स्क्वायर करोगे f2 और f1 इसे स्क्वायर करके एडजस्ट कर कितना बेटा अब इसको सॉल्व करके 4 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन आ जाएगा 36 का स्क्वायर f1 10 to the power minus 6 plus 36 का स्क्वायर 10 to the power minus ये दोनों का ऐड करोगे देखो एप्रोक्सीमेट कितना जाता है 4 into 10 to the minus 2 न्यूटन किलोमीटर फिर इसके बाद हम होमवर्क पीडीएफ में सेंड करेंगे ओके सेंड कर देंगे बेटा पीडीएफ में होमवर्क किसका फोर्स का हाँ बेटा बोलो हाँ ये दोनों सॉल्व करके तो ऑलवेज भेजना ये तो होमवर्क हो गया तो भेजना ही ये दोनों तो होमवर्क है पूरा सॉल्व करके प्रॉपर कैलकुलेशन करके भेजो और ये वाला जो भेजेंगे इसको ही भेजोगे ठीक है बेटा आज फोर्थ कंप्लीट हुआ आज जो है फोर्थ का न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर का न्यूमेरिकल शुरू हो जाएगा ठीक है ओके टाइम खत्म हो गया